तो आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 7 रुपए 40 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 4% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 177 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है अराउंड 170 रुपीज पर। 170 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल है जो ग्रीन कलर के नेक लाइन दिख रहे हैं। यहीं पर स्टॉक ने इस प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद निचले लेवल पर स्टॉक में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, पर ऊपरी लेवल पर आज के दिन देखें तो एक बड़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिल रही है, जहां पर स्टॉक ने एक डबल टॉप बनाया था 196 रुपीज पर। अब ऊपरी लेवल पर लगातार स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहेगा, तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते तो स्टॉक का जो पिछला सपोर्ट लेवल था 170 रुपीज का, वहां पर एक स्टॉप लॉस ट्रेड करें, क्योंकि ये स्टॉक में पहले हाई था, ऊपर में स्टॉक में एक रुकावट रेंज था, पर जैसे ही स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेकआउट दिया तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक वन वे तेजी आती हुई नजर आई थी। तो जब तक स्टॉक 170 रुपीज से ऊपर है स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।